राजधानी भोपाल में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्टेट साइबर पुलिस मुख्यालय में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में सीएम मोहन यादव ने साइबर क्राइम, विशेषकर डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों पर विस्तृत जानकारी ली और साइबर पुलिस को उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रोत्साहित किया। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने कहा कि साइबर अपराध को नियंत्रित करने, पुलिस को अधिक हाईटेक बनाने, सभी जिलों में साइबर थाना और साइबर डेस्क की स्थापना के लिए प्रदेश सरकार कार्यरत है। भविष्य में डिजिटल अरेस्ट जैसी घटनाओं पर नियंत्रण लगाया जा सके, इसके लिए पुलिस प्रशासन को जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया। पुलिस का ये बड़ा उल्लेखनीय और दूसरों को प्रेरणा देने वाला काम है, जिस आधार पर हमने अपनी तत्परता दिखाई। और ये बात भी सही है कि जिसके साथ ठगी हो रही है, अगर वो एक तरह से बेहोशी के हाल जैसा हो गया ना, उसके चारों तरफ से, और आमतौर पर आम आदमी कभी जिनने ईडी, इनकम टैक्स, सेल टैक्स या ये खासकर सीबीआई वगैरह की रेड वगैरह कभी देखी सुनी नहीं, तो कल्पना करता है कि ऐसा जैसा होगा। वो जो चालाक है वो ज़्यादा सफाई से काम करते हैं। मुझे गर्व है मध्य प्रदेश की पुलिस ने आप सबके माध्यम से इसमें सूचना मिलने के बाद, सूचना मिलना सरल, लेकिन सूचना होते ही हम एक्शन में आए और ठोस कार्रवाई करके देश के सामने नहीं, दुनिया के सामने प्रमाण दिया है कि डिजिटल अरेस्टी के मसले पर ये डरने की जरूरत नहीं है, झूठी बातें हैं। और हम सब मिलकर के समय पर पुलिस को सूचना दे तो उसका परिणाम निकल सकता है। और सामने 10 मिनट में 15 मिनट में सेल टीम को भेज दिया, बात वो लोग तो निकल रही डिजिटल है, वो फोन भी नहीं किया मैंने। प्रधानमंत्री को बताना चाहिए, अगर एक केस भी ऐसा हो गया जिसको आपने रोक लिया तो उसका मार्केट में इम्पैक्ट बहुत पड़ता है। ये बिल्कुल सही बात, फ्रॉडस्टर जो है ये डर जाएंगे, आप मध्य प्रदेश में घुसने में दो बार सोचेंगे। बिल्कुल, पुलिस बहुत प्रोएक्टिव है यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, मध्य प्रदेश में साइबर अपराध को रोकने के लिए पुलिस हमारी बहुत दक्षता से काम कर रही है। और परसों 11 तारीख के दिन जो घटना घटी है, ये तो वाकई अद्भुत घटना है। हमारे अपने अरेरा कॉलोनी निवासी विवेक ओबेरॉय जी दुबई में कॉरपोरेट सेक्टर के उद्यमी हैं, अपने घर पहुंचे थे और घर पे उनको लगभग 6 घंटे डिजिटली अरेस्ट किया। चारों तरफ से कैमरे और सीबीआई अफसर, ईडी अफसर, और जिस प्रकार का नाटक किया गया, किसी भी ईमानदार या सामान्य व्यवसायी को अगर इस तरह के वातावरण में जिसको पहली बार पला पड़े, तो अपने घर के मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट, बच्चों के बैंक अकाउंट, उनके अपने सारे 6 घंटे में एक तरह से इतना ज़बरदस्त तनाव की मुद्रा में, और एक तरह से ऐसा लगा कि सच्चे में उनको अरेस्ट कर लिया गया और डिजिटली। लेकिन पुलिस को सूचना मिली और मुझे इस बात का संतोष है कि हमारे प्रदेश के नागरिक भी जागरूक है। उससे बढ़कर के सूचना तो सब तरफ की आती है, लेकिन तत्परता से तुरंत एक्शन होकर के हमारी टीम जब गई और टीम ने जा कर के न केवल जो एक तरह से डिजिटली अरेस्ट कर रहे थे उनसे पूछताछ की, वो हमारी असली पुलिस से आईडी मांग रहे, वो परिचय मांग रहे, उनकी हिम्मत देखो। और दुबई और बाहर विदेश के नंबरों से बात करके जिस प्रकार से वातावरण बनाते हैं, मुझे इस बात को कहते हुए गर्व है कि ऐसे हमारे पुलिस अफसरों ने और मध्य प्रदेश पुलिस ने बड़ा काम किया। जब